नौ मनोगत मनोगत श्री राम शरण समस्त चित्तान विना का गति रामेन प्रतिहन्यते कलम रामाय कार्य नमः त्रिस्यति काल भीम मुझको राम से सर्व विषय रामे भक्तिर खंडिता भवतु मेक राम त्वमेवाश्रय। स्कंद पुराण श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलियुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से कालूपी भयंकर सर्प भी डरता है। का सब कुछ श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। श्री राम की ही कृपा से मेरे अंदर भाव आया कि मैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित राम कथा महाकाव्य को भाषा में लिखे। प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का संक्षेप भी 0/0/2046 माघ कृष्णा एकादशी तदनुसार सन 1663 18 जनवरी दिन सोमवार को पूर्ण किया। राम कथा के इस आदिकाव्य को संक्षिप्त रूप में लिखते समय मैंने अद्भुत आनंद एवं आत्मिक संतोष का अनुभव किया। संक्षिप्त रूप होने के बाद भी प्रयास यही रहा कि सभी प्रसंग घटनाएं तथा विवरण इसमें सुरक्षित रहे। भाषा में लिखी यह आदिकाव्य की सरल संक्षिप्त व्याख्या मैं प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ। रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। ये समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। ऋषियों को यह प्रत्यक्ष हो गया था कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। उस समय पाखंड फैल जाएगा, सभी लोग काम वेदना से पीड़ित और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी, कठोर और असत्य बोलेगी तथा शरीर को शुद्ध कर सुसंस्कृत बनाए रखने के से वंचित रहेंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलियुग प्रचुर बढ़ गया। घोर कलियुग आने पर राम कथा ही लोगों की मुक्ति का उपाय बनेगी, ऐसा ऋषियों ने ज्ञात किया। इसलिए रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पापदोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। विनीत रमाकांत तिवारी। श्री सीताराम चंद्राभ्या नमः। बालकांड प्रथम सर्ग वाल्मीकि नारद संवाद। तपस्वी वाल्मीकि ने तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने इस समय संसार में धर्मज्ञ सत्यवक्ता दृढ़ प्रतिज्ञ समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान मन पर अधिकार रखने वाला एकमात्र प्रियदर्शन पुरुष कौन है। महर्षे मैं यह सुनना चाहता हूँ, आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। यह सुनकर नारद जी अच्छा से कहकर बोले, मुने आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न एक ऐसे पुरुष हैं जो राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले कांतिमान और जितेंद्रिय हैं। धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हितसाधन में लगे रहने वाले हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय लगता है। राम के संबंध में आगे बताते हुए नारद मुनि ने कहा कि राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, परंतु उनकी एक रानी कैकेयी ने यह वर मांगा कि राम को वनवास मिले तथा भरत कैकेयी के पुत्र का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्यवचन के कारण अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम अपनी पत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। श्रृंगवीरपुर में गंगा तट पर निषाद राज गुरु से भेंट के बाद उन्होंने रथ को लौटा दिया तथा भ्रमण करते हुए भरद्वाज आश्रम पहुंचे। भरद्वाज मुनि की ही आज्ञा से श्री राम ने चित्रकूट में अपना निवास बनाया। पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए तथा भरत राज्य की कामना न करके पूज्य राम को लौटाने के लिए चित्रकूट गए। श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन का संकल्प बताते हुए भरत को अयोध्या लौटा दिया तथा अपने खड़ाऊ भरत को दिए। भरत खड़ाऊ को सिंहासन पर स्थापित करके नंदीगाम में रहकर राज्य करने लगे।
भरत के चित्रकूट से लौटने के बाद श्री राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां विराग नामक राक्षस को मारकर वे शरभंग, सुतीक्षण, अगस्त्य आदि मुनियों से मिले। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को इंद्र धनुष, खन तथा दो तूणी दिए, जिनमें वाण कभी 57-37 वाल्मीकि रामायण कथा धरते नहीं थे। राक्षसों के अत्याचार का वर्णन सुनकर श्री राम ने ऋषियों को हकहा कि वे राक्षसों का विनाश करेंगे। सीता पर झपट रही शूर्पणखा नामक राक्षसी ने कुरूप कर दिया तथा उसके कहने से चढ़ाई करने वाले खर दूषण त्रिश्रा का 1400 राक्षसों को श्री राम ने जन स्थान में मार गिराया। अपने 5 तथ्य सुनकर रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण किया तथा उनकी रक्षा में जही ये वध हुआ। तदनंतर सीता को खोजते समय राम ने कबंध नामक राक्षस को मारा था। शबरी के आश्रम पर गए धर्मप्रायणा शबरी ने श्री राम का भली भांति पूजन किया। बा औरम की से भेंट हुई तथा उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। सुग्रीव के भाईवा ने उसे राज्य से निकाल दिया था। श्री राम ने वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया। सुग्रीव ने वानरों को सीता का पता लगाने भेजा कि सीता से भेंट हुई। समाचार मिलने पर श्रीराम ने समुद्र के कहने पर नल द्वारा समुद्र पर पुल तथा लंकापुरी जाकर रावण को मारा। सीता की अग्नि परीक्षा हुई तथा अपने सभी अनु के साथ श्रीराम अयोध्या आकर राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्रीराम अपने परमधाम को पधारेंगे। मुनि वाल्मीकि के ग्रह से प्रथम श्लोक देवर्षि नारद जी के चंद सुनकर श्री वाल्मीकि ने शिष्यों सहित उनका पूजन किया या नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। उनके जाने के बाद मुनि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने क्रौच पक्षियों के एक जोड़े को देखा। उन्हीं के सामने एक निषाद ने उस जोड़े में से एक नर पक्षी को कर उठी। उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख ऋषि को बड़ी दया आई और रोती हुई क्रीछी और उन्होंने निषाद से इस प्रकार कहा, गा निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा क्रीच मिथुनावैकम वर्धय काम मोहितम। निषाद, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा शांति 4 रुपए फुटन रामायण काव्य का सचिन। वे बोले, तात मेरे मुख से जो वाक्य इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। बाल कांड, अतः मेरा यह वचन श्लोकरूप होना चाहिए। उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था कि इतने में ब्रह्मा जी मुनि वाल्मीकि से मिलने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही वाल्मीकि सहसा खड़े हो ब्रह्मा जी का पूजन किया तथा उनके आसन पर विराजमान होने के बाद बैठे। उनका मन पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने उसी श्लोक को दोहराया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुंह से निकला यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोकरूप ही है। इसी में तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। श्री राम के जो गुप्त या प्रकट वृतांत हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। योग का आश्रय लेकर महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको प्रत्यक्ष देखा और महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी के क्रम से वाल्मीकि मुनि ने श्री राम के चरित्र रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक 500 सर्ग तथा उत्तरकांड सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। पूर्ण कर लेने के बाद मुनि ने सोचा कि कौन ऐसा होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। उसी समय कुश और लव ने आकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें योग्य समझकर मुनि ने कुश और लव को रामायण का अध्ययन कराया। दशरथ का परिचय, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की नगरी है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। मनु से लेकर अब तक वह पुरी उसी वंश के नरेशों के अधिकार में रही। राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। उसी अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे।
वे दूरदर्शी और तेजस्वी थे। अयोध्यापुरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। सभी के पास उत्कृष्ट वस्तुएं उपलब्ध थी तथा गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य की प्रचुरता थी। हर प्रकार से सुरक्षा थी। दो योजन भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर युद्ध करना किसी के लिए भी असंभव था, इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुई। महाराज दशरथ के 8 अमात्य थे जो तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव समझ लेने वाले थे। उनके नाम थे दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। वशिष्ठ और वामदेव राजा के पुरोहित थे। इनके अतिरिक्त सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन महाराज के मंत्री थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री राजा के अनुग्रह पात्र थे तथा उनका दोनों पुरोहितों की भांति ही गुरु तुल्य समादरणीय स्थान था। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। ऐसे मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। राजा दशरथ पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने प्रधान अमात्य सुमंत्र को भेजकर कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा मुनियों एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आवाहन किया और उनसे सहमति लेकर अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का निश्चय किया। महाराज दशरथ ने भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व, घोड़ा, छोड़ा, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कराया। अश्वमेध यज्ञ के संकल्प को सुनकर सुमंत्र ने राजा दशरथ से एकांत में कहा, महाराज तो पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। पूर्वकाल में सनय कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी। यह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। सनय कुमार ने कहा, मुनिव्रो, काश्यप ऋषि का विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उसका भी एक पुत्र होगा जिसकी प्रसिद्धि ऋषिश्रृंग नाम से होगी। वे सदा वन में रहेंगे तथा पिता के अतिरिक्त दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। उसी समय अंदेश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी। इससे राजा रोमपाद को बहुत दुःख होगा। वे ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई विधान बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें सलाह देंगे, राजन, विभांडक के पुत्र ऋषिश्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए तथा वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। महर्षि विभांडक से डरकर मंत्री और पुरोहित ऋषिश्रृंग को बुलाने का साहस नहीं करेंगे। फिर वैश्याओं की सहायता से ऋषिश्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करें। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने से कहा, मुनि कुमार, ऋषिश्रृंग को जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वो स्पष्ट रूप से बताओ। यह 3200025 कद तकनीक 2 जखे सुनकर सुमंत्र ने बताया, राजा रोमपाद के पुरोहितों ने कहा कि हम मनुष्यों के चित को मत डालने वाले विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली गणिकाएं, वेश्याएं वहां जाएं तो वे लुभाकर उन्हें इस नगर में ले आएंगी। राजा का आदेश सुनकर नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं उस वन में गई तथा उन्हें आकर्षित करके अंदेश ले गई। उनके अंदेश में आते ही इंद्र ने सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को तपस्वी ब्राह्मण कुमार के आगमन का अनुमान हो गया तथा उन्होंने ऋषिश्रृंग मुनि की अगवानी की तथा अंतःपुर में लाकर अपनी कन्या शांता का उनके साथ विवाह कर दिया। सुमंत्र ने फिर कहा, महाराज आप स्वयं ही अंदेश में जाकर मुनि कुमार ऋषिश्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने अंदेश के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अंगराज से कहा कि तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे। राजा की आज्ञा पाकर ऋषिपुत्र ने चलने की स्वीकृति दे दी तथा राजा दशरथ के साथ अयोध्यापुरी आए। दशरथ का पितृष्टि यज्ञ और श्री रामादि 4 पुत्रों का जन्म
एक वर्ष पूरा होने पर जब यज्ञ का अश्व लौट आया तो मुनि ने शास्त्र विधि के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया। उसके बाद मुनि ने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए सभी देवता तथा विष्णु व ब्रह्मा भी उपस्थित थे। उसी यज्ञ में देवताओं ने विष्णु की स्तुति प्रार्थना की और फिर रावण के पराक्रम व अत्याचार का वर्णन किया। विष्णु ने रावण वध का निश्चय करके मनुष्य रूप में जन्म लेने का संकल्प किया तथा राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उनके अंतर्धान होने के बाद यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष खीर लिए हुए प्रकट हुआ, जिसने राजा दशरथ से कहा कि तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए देवताओं की बनाई यह खीर प्राप्त करो जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। राजा दशरथ ने उस खीर का आधा भाग रानी कौसल्या को दिया तथा शेष आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया तथा दूसरे आधे का आधा भाग रानी कैकेयी को दिया और अवशिष्ट बचे हुए आधे भाग को पुनः रानी सुमित्रा को दे दिया। रानियों ने उस यज्ञ की उत्तम खीर को ग्रहण करके गर्भ धारण किया। जब विष्णु राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए तो ब्रह्मा ने समस्त देवगणों से कहा कि तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, नीतिज्ञ, बुद्धिमान तथा सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। देवों ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए को जन्म दिया। तदनंतर कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम, उसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण रखते थे तथा लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम, उसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण रखते थे तथा लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत को श्री राम के प्रति अत्यंत अनुराग र अधिक प्रिय मानते थे। और शशनुघ्न दो पुत्रों लक्ष्मण को मौग्ने विश्वामित्र का आगमन, यज्ञ रक्षा हेतु राम चारों भाइयों की शास्त्र और शस्त्र शिक्षा, चारों भाइयों को शास्त्र व शस्त्र की शिक्षा वशिष्ठ जी की देखरेख में योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने लगी। इस बीच महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए। विश्वामित्र तपस्वी तथा विख्यात ऋषि थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा दशरथ के मन में घबराहट हुई, परंतु उन्होंने महामुनि का यथायोग्य स्वागत किया। विश्वामित्र ने अपने आने का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु मारीच और सुबाहु नामक राक्षस विघ्न डालते रहते हैं। वे राक्षस बहुत मायावी हैं, इसलिए आप यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को लक्ष्मण के साथ मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर राज दशरथ कुछ देर के लिए संज्ञाशून्य से हो गए तथा फिर कहा कि राम अभी पूरे 16 वर्ष के भी नहीं हुए और मैं उनकी राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। आपके साथ मैं अपनी सेना के साथ चलूंगा तथा राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। बड़ी दीनता से राजा दशरथ ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं तथा बड़ी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। राजा दशरथ की बात सुनकर महामुनि ने बताया कि महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न विश्रवा मुनि का पुत्र रावण व्रतमा से वरदान प्राप्त करके सभी देशवासियों को अत्यंत कष्ट देता रहा है। उसी की प्रेरणा से दो राक्षस यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। रावण का नाम सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि मैं उस रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते हैं, फिर मनुष्यों की क्या बात है। राजा दशरथ की बात से विश्वामित्र अत्यधिक क्रोध में आ गए और बोले कि मेरी बात न मानना इस कुल के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र के क्रोध के परिणाम को समझकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को विश्वामित्र की तेजस्विता बताई तथा परामर्श दिया कि वे महर्षि की आज्ञा मानकर राम को साथ जाने की अनुमति दे दें। उन्होंने कहा, अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको विश्वामित्र जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में विश्वामित्र को, जब वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। प्रजापति दक्ष की दो सुंदरी कन्याएं जया और सुप्रभा है, उन दोनों ने 100 परम अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है।
ये कुशिकनंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी प्रकार से जानते हैं जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से दशरथ का मन प्रसन्न हो गया तथा विश्वामित्र के साथ श्री चरम का जाना उन्हें उचित लगा। पूर्ण विराम। फये शून्य पर राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ प्रस्थान। ताट का वध। राम व लक्ष्मण महात्मा विश्वामित्र के साथ तैयार होकर चल दिए। देव योजन चलने के बाद सरयू के दक्षिणी तट पर महामुनि ने जल से आचमन की आज्ञा दी तथा उन्हें बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र समुदाय प्रदान किया। मंत्र समुदाय के प्रभाव का वर्णन करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि अब तुम्हें कभी थकावट अनुभव नहीं होगी तथा ज्वर भी नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस आक्रमण नहीं कर सकेंगे तथा इनका अभ्यास करने से कोई तुम लोगों की समानता नहीं कर सकेगा और ये विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। मार्ग में चलते हुए उन्हें एक पुण्य आश्रम मिला। डॉट रात्रि में उन्होंने वहीं विश्राम किया। महामुनि ने राम को बताया कि स्थानुप शिव इसी आश्रम में तपस्या करते थे। एक दिन काम ने उन पर आक्रमण किया तथा शिव ने अपनी रोषभरी दृष्टि से देखा, जिससे कंदर्प काम अंगहीन हो गया। तभी से वह अनर्घ नाम से विख्यात हुआ। कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश इन देश के नाम से विख्यात हुआ। ये स्थान गंगा व सरयू के शुभ संगम पर है तथा आजकल के वाराणसी नगर के पास स्थित है। उन्हीं आश्रम के पास गंगा नदी को पार करके जब महामुनि के साथ राम लक्ष्मण ने आगे प्रस्थान किया तो उन्होंने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। राम की जिज्ञासा पर महामुनि ने बताया कि यह मलद और करुष जनपदों का क्षेत्र है। ये बहुत समृद्धिशाली एवं धन धान्य से संपन्न जनपद थे, परंतु कुछ काल से यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी निवास करने लगी है तथा उसमें 1000 हाथियों का बल है। उसका नाम ताटका है। वह सुन नामक दैत्य की पत्नी है तथा उसका मारीच नामक बड़ा बलवान पुत्र है। वह यक्षिणी इन जनपदों का विनाश करती रहती है। तुम्हें उसे मारकर जनपद को निरापद करना होगा। मुनि की बात सुनकर राम ने प्रश्न किया कि वह यक्षिणी है फिर उसे 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हो गया। महामुनि ने बताया कि ब्रह्मा ने ताड़का के पिता यक्ष सुकेतु की तपस्या व सदाचार से प्रसन्न होकर उस कन्या को 1000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया। ताड़का का पुत्र मारीच अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हो गया था। उन महामुनि ने शाप देकर उसके पति सुंद को भी मार डाला जिससे कुपित होकर ताड़का अगस्त्य मुनि को मारने की इच्छा करने लगी। उसे आते देख मुनि ने शाप दिया कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। इससे वह अत्यंत क्रोधित हुई तथा इस सुंदर देश को उजाड़ दिया। राम तुम स्त्री हत्या का विचार करके उसके प्रति दया न दिखाना। राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। न ही ते स्त्रीवत कृते घना कार्य नरोत्तम चातुर्वण यहितार्थ ही कर्तव्यम राज सुनोना 26/7। विश्वामित्र की बात सुनकर राम ने कहा गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तवचैवा प्रमेयस्य वचन कतुमुयतः 2645। गो ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद राम ने अपने धनुष की प्रत्यग्वा चढ़ाई और टनकार की जिसकी आवाज से ताड़का क्रोध में भर कर आई। उसने अनेक प्रकार से मायावी युद्ध किया परंतु राम ने अंत में उसका वध कर दिया। ताड़का वध से प्रसन्न होकर इंद्र तथा समस्त देव आ गए तथा राम पर अपना स्नेह प्रकट किया और कहा कि राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का कार्य संपन्न होने वाला है। विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर यज्ञ रक्षा। ताड़का वध से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वामित्र ने श्री राम को अनेक विव्यास्त्र प्रदान किए तथा बताया कि इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को चाहे वे देव असुर गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। महामुनि विश्वामित्र के साथ चलते चलते श्री राम मुनि के आश्रम के पास आ गए। श्री राम के पूछने पर मुनि ने बताया कि इसका नाम सिद्धाश्रम है क्योंकि यहाँ महातपस्वी वामनरूप विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसी काल में राजा बलि ने इंद्र और सहित समस्त देवों को पराजित किया तथा तीनों लोकों में विख्यात हो गए। बलि एक उत्तम
यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। देवों ने विष्णु से प्रार्थना की कि आप वामन रूप धारण करके बलि से उसका समस्त राज्य दान में मांग लीजिए। महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी अदिति तपस्या से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हीं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें सुखी करने के लिए विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण किया और वामन रूप धारण करके बलि के पास गए तथा 3 पग भूमि का दान ग्रहण किया। परम धनुर्धर श्री राम व लक्ष्मण सावधान रहकर यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। एक दिन मारीच और सुबाहु नामक राक्षस अपने अनुचरों के साथ आए तथा सब ओर माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप के पास रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। उन्हें देखकर राम ने मानवास्त्र का संधान किया तथा मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। मारीच आघात लगने से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। इसके बाद श्री राम ने आग्नेयास्त्र से सुबाहु का तथा वायव्यास्त्र से सभी निशाचरों का संहार कर डाला। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ देखने मिथिला गृहस्थान। इसके बाद आश्रम पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने राम से कहा कि हम लोग महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला के राजा जनक के यहाँ आयोजित यज्ञ में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मिथिला में एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। वह धनुष बहुत भारी तथा एवं भयंकर है, उसकी प्रत्यंचा भी कोई नहीं चढ़ा सका। वह धनुष शंकर ने पूर्व काल में प्रदान किया था। महामुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण तथा सभी ऋषि मंडली के साथ मिथिला को प्रस्थान किया। मर्यात्रा के ही अंतराल में महामुनि विश्वामित्र ने पूर्व काल में कुछ नाम से प्रसिद्ध राजा की कथा सुनाई। राजा के 4 पुत्र थे जिनमें से एक कुशनाभ ने घृताची अप्सरा से 100 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन वायुदेव ने उन कन्याओं के रूप से मोहित होकर उन को अपनी भार्या बनाना चाहा, परंतु कन्याओं ने कहा कि हम लोग अपने पिता की आज्ञा में हैं तथा आपके प्रति हम लोगों का कोई भाव नहीं है, इसलिए हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इससे वायुदेव कुपित हो गए तथा उनके अंदर प्रवेश करके उनके अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। वे सब कुबड़ी हो गई। वे सब दुखी होकर अपने पिता के पास गई और सब घटनाएं बताई। अब पिता के सामने यह समस्या हो गई थी कि इनका विवाह कैसे होगा। इसी समय ब्रह्मर्षि चूली ने एक गंधर्व कन्या को पुत्र प्रदान किया तथा मानस पुत्र के रूप में उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा। उनका यह पुत्र बड़ा प्रतापी राजा हुआ। कुशनाभ की कन्याओं का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। कुशनाभ ने गाधी नामक पुत्र को भी जन्म दिया। वही महामुनि विश्वामित्र के पिता थे। कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र कौशिक भी कहलाए। गंगावतरण कथा। अगले दिन विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्रीराम को बताते हुए कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमाये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं उनकी पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए गिरिराज हिमालय से गंगा को मांग लिया तथा आगे चलकर वही स्वर्ग से त्रिपुष्का नदी के रूप में अवतीर्ण हुई। उमा बहुत तपस्विनी थी, उसका विवाह रुद्र से हुआ। राम व लक्ष्मण की जिज्ञासा देखकर महामुनि ने कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई तथा देवगणों से रुष्ट होकर उमा द्वारा शाप दिए जाने की घटना बताई। अपने शाप में उमा ने कहा कि अब देवगण संतान नहीं उत्पन्न कर सकेंगे तथा पृथ्वी का एक रूप नहीं रह जाएगा, यह बहुतों की भार्या होगी। महामुनि विश्वामित्र ने अयोध्या के धर्मात्मा राजा सगर की कथा सुनाई। सगर के यज्ञ का अश्व खो गया। उनके 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े को खोजने गए। बहुत प्रयास के बाद उन लोगों को वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। सगर के पुत्रों ने क्रोध में आकर महामुनि कपिल का अपमान किया जिससे उनके हुंकार से वे सभी जलकर भस्म हो गए। पर्याप्त समय के भी जब राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र को घोड़ा खोजकर लाने के लिए भेजा। घोड़ा लाए तथा सब कथा राजा सगर को बताई और कहा कि जब तक गंगा जी के जल से उन भस्म हुए मृतकों का तर्पण नहीं होगा उस समय तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। गंगा जी को से पृथ्वी पर लाया जाए इसकी चेष्टा सगर तथा उनके पौत्रों और तदनंतर उनके पुत्र दिलीप ने की, परंतु सफलता दिलीप के पुत्र भागीरथ की तपस्या से मिली। गोकर्ण तीर्थ में भागीरथ ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया तथा कहा कि गंगा का वेग पृथ्वी नहीं सह सकती, इसलिए शंकर को प्रसन्न करो। राजा भागीरथ की आराधना से प्रसन्न होकर शंकर ने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया। गंगा के अवतरण की कथा बहुत अलौकिक है। मान्यता है कि शिव की जटा से गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर आया था। पूर्ण विराम।
नब्बे इतिहास पुराण कथाएं, समुद्र मंथन और इर्दिति कथा। अगले दिन जब महामुनि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण की यात्रा प्रारंभ हुई तो उन्हें मार्ग में विशाला नामक पुरी दिखाई पड़ी। राम की जिज्ञासा पर महामुनि ने बताया कि इसी पुरी में सत्ययुग में दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देव रहते थे। उन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग क्षीर सागर का मंथन करके अमृतमय रस प्राप्त करें। वासुकी नाग की रस्सी और मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। प्रारंभ में हलाहल नामक महाभयंकर विष मिला। उसकी दहत्ता से व्यधित होकर सबने शंकर से प्रार्थना की तथा उन्होंने प्रकट होकर उस विष का पान कर लिया। मंद्राचल को स्थिर नहीं रख पा रहे थे, इसलिए विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके पर्वत को आधार दिया तथा मंथन क्रिया चलने लगी। तदनंतर धन्वंतरी आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उनकी प्राकट्य के बाद बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। अपजल्प में मंथन से प्रकट होने के कारण वे अप्सराएं कहलाईं। देव और दानव उन्हें पत्नी के रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्यात मानी गई। तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संध्या हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवगण आनंद मग्न हो गए। इसके बाद घोड़ों में उत्तम उच्चे श्रवा मनिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्रा हुआ। विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया तथा जो दैत्य छीन लाने के लिए विष्णु के पास गए, उन्हें विष्णु ने मार डाला। देवगण प्रभावी हुए तथा देवराज इंद्र त्रिलोकी का राज्य पाकर बड़े प्रसन्न हुए। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुहक हुआ। वे अपने पति कश्यप के पास जाकर बोली, आपके पुत्र देवो ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। कश्यप ने कहा, तुम शौचाचार का पालन करो, यदि एक सहस्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त करोगी। दिति हर्ष और उत्साह में भरकर कठोर तपस्या करने लगी। दिति की तपस्या के समय इंद्र विनय सहित उनकी सेवा टहल करने लगे। जब तपस्या को केवल 10 वर्ष शेष रह गए तब इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर दिति ने कहा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए पुत्र की याचना की थी, परंतु जब वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। दोपहर का समय था। दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी थी। निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए तथा माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और गर्भ के साथ दुकड़े कर डाले। गर्भस्थ बालक ऊंचे स्वर में रोने लगा। इससे दिति जागकर उठ बैठी। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चों को न मारो। माता का वचन सुनकर इंद्र उदर से निकल आए तथा हाथ जोड़कर माता दिति से कहा, देवी तुम अपवित्र सोई थी, इसलिए यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के साथ टुकड़े कर डाले हैं। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। दिति को बड़ा दुहक हुआ। वे इंद्र से बोली, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के साथ टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे सातों खंड सात व्यक्ति होकर सातों मरुद्गणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। ये आकाश में मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर जो सात वात्स्कंध हैं उनमें विचरे। जो प्रथम मारुत है वह ब्रह्मलोक में, दूसरा इंद्रलोक में, तीसरा मारुत दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। शेष चार पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। मारुत नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माँ तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ऐसा निश्चय करके दिति और इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। पूर्वकाल में महाराज इक्ष्वाकु के एक विशाल नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा पुत्र हुए। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। उन्हीं के वंशधर सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं। वे इस समय इस पुरी में निवास करते हैं।
महामुनि विश्वामित्र को अपनी पुरी के समीप आया हुआ सुनकर राजा सुमति ने उनकी अगवानी की तथा श्री राम व लक्ष्मण के विषय में जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। रात्रि में वहां निवास करके प्रातःकाल ये मिथिला की और चल दिए। तीन अयोध्या वशिष्ठ विश्वामित्र प्रकरण। आगे यात्रा करने पर एक निर्जन आश्रम दिखाई दिया। राम के पूछने पर महामुनि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम तथा उनकी पत्नी अहल्या की कथा सुनाई। इंद्र ने अहल्या से एकांत में संपर्क किया, इससे महर्षि ने दोनों को शाप दे दिया। इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देखकर मुनिव गौतम ने कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल वृषण रहित हो जाएगा। ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों वृषण अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार इंद्र को शाप देने के बाद अपनी पत्नी को शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ सहस्त्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। वृषण रहित हो जाने के कारण इंद्र बहुत डर गए तथा सभी देवों से सहायता की प्रार्थना की। इंद्र का वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देव कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास आकर बोले, आपका मेष भेड़ा वृषण से युक्त है, इस भेड़े के दोनों 32 जा बबक्तर वाल्मीकि रामायण कथा 96 वृषण आप इंद्र को अर्पित कर दें। अग्नि की बात सुनकर पितृदेवताओं ने मेष के वृषण उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिए। अहल्या उसी आश्रम में अदृश्य रहकर शिलाखंड के रूप में निवास कर लगी। राम के दर्शन करने से अहल्या प्रकट हो गई तथा उन्होंने राम लक्ष्मण का बहुत सत्कार किया तथा पुनः उनके पति महर्षि गौतम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अहल्या उद्धार के बाद महामुनि राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंच गए। जनक के पूछने पर राम लक्ष्मण का पूरा परिचय जनक को दिया। जनक के पुरोहित शतानंद अहल्या के पुत्र थे। अपनी माता के उद्धार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी अवसर पर उन्होंने राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र का संपूर्ण जीवन वृतांत बताते हुए कहा, विश्वामित्र पराक्रमी राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर कामधेनु द्वारा सत्कार पाने के कारण उस गाय को ही मान लिया तथा न देने पर बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। कामधेनु सबला गो ने वशिष्ठ से आज्ञा लेकर शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि की। विश्वामित्र हार गए तथा एक पुत्र को छोड़कर उनके पक्ष के सभी मारे गए। उसी पुत्र को राज्य देकर वे तपस्या करने लगे तथा पुनः अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का संग्रह किया और वशिष्ठ पर आक्रमण किया। फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तथा परास्त हो गए। पराजय से उद्विग्न होकर विश्वामित्र ने कहा, क्षत्रिय बल एकन ब्रह्मदंडन सर्वास्त्राणी हतानी में 46/23 क्षेत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्मतेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। प्रसमीक्षा ग्रसने त्रियमान से तपो समाथास्य वे 546/24। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। महात्मा वशिष्ठ के साथ वे ठान कर विश्वामित्र अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। विश्वामित्र को तो ब्राह्मणत्व की आकांक्षा थी, परंतु ब्रह्मा जी ने जब उन्हें राजर्षि कहा तो उन्हें बहुत दुःख हुआ। वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। उसी समय इक्ष्वाकु कुल में सत्यवादी व जितेंद्रिय राजा त्रिशंकु का विचार हुआ कि मैं ऐसा यज्ञ करूं कि इस शरीर के साथ स्वर्गलोक जा पहुंचूं तथा अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से यज्ञ संपादन कराना चाहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। तब वे उनके पुत्रों के पास गए, परंतु वे भी सहमत नहीं हुए और विवाद होने पर त्रिशंकु को चांडाल होने का शाप दे दिया। इसी अवस्था में वे विश्वामित्र की शरण में गए। उन्होंने उत्कृष्ट यज्ञ के द्वारा त्रिशंकु को सदैव स्वर्गलोक भेज दिया, परंतु देवताओं ने उन्हें उल्टा लौटा दिया। इससे कुपित होकर विश्वामित्र ने नए लोकों की सृष्टि की तथा त्रिशंकु को सदैव अपने द्वारा रचित स्वर्गलोक में भेजा। इसी बीच राजर्षि अम्बरीश के यज्ञक्षु को इंद्र ने चुरा लिया। उसके स्थान पर उन्होंने ऋचिक मुनि की सहमति से उनके पुत्र शुनेश्वर को बलि के लिए चुना, परंतु विश्वामित्र ने अपने भाज्य शुनेश्वर को बलि होने से बचाया तथा राजा को यज्ञ के फल का पूरा भाग मिला। उसके बाद विश्वामित्र ने पुष्कर तीर्थ में तपस्या की।
जब विश्वामित्र ने 1,000 वर्ष की तपस्या के व्रत की समाप्ति का स्नान किया, उस समय सब देवता तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए और विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। बहुत समय व्यतीत होने पर सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई। उसे देखकर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए और उससे बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे आश्रम में निवास कर। मेनका के साथ विश्वामित्र के 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर विश्वामित्र लज्जित हुए और यह विचार मन में आया कि यह देवगणों की हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए करतूत है। मेनका को उन्होंने विदा कर दिया तथा हिमालय पर चले गए और घोर तपस्या में संलग्न हो गए। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते देखकर इंद्र और अन्य देवों के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। इंद्र ने अप्सरा रंभा को बुलाकर कहा कि तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। रंभा यह सुनकर बहुत भयकंपित हुई। उसने कहा, विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं, वे मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। इंद्र ने कहा, तू भय न कर, मेरी आज्ञा मान ले। देवराज की बात सुनकर रंभा ने विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। ऋषि के मन में संदेह हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह देवराज का कुचक्र है, तो ऋषि व विश्वामित्र ने क्रोध में भर कर कहा, दुर्भाग्य रंभे, तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। शाप का समय पूरा होने पर एक तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई, किंतु क्रोध से विश्वामित्र की तपस्या का क्षय हो गया। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी अवस्था में मुंह से बोलूंगा। जब तक तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर महातपस्वी विश्वामित्र ने फिर तपस्या की दीक्षा ग्रहण की। 1,000 वर्ष पूर्ण होने तक वे काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। व्रत समाप्त करके वे अन्न ग्रहण करने को तैयार हुए कि उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। विश्वामित्र ने अन्न ब्राह्मण को दे डाला और वे बिना खाए पाए ही रह गए। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा और पुनः व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ किया। 1,000 वर्ष तक सांस तक नहीं लिया। उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे सभी प्राणी घबरा उठे तथा वे सब व्याकुल हो ब्रह्मा जी से बोले, विश्वामित्र जी अपनी तपस्या के प्रभाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें उनमें छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता, इसलिए उनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वामित्र ने प्रणाम किया और कहा, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें, तभी आप जा सकते हैं। तब देवताओं ने वशिष्ठ जी को प्रसन्न किया और उन्होंने आकर एवमस्तु कहा तथा विश्वामित्र से मित्रता स्थापित कर ली। तदनंतर विदेहराज जनक अपने पुरोहित शतानंद के साथ विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से चल दिए तथा विश्वामित्र जी भी राम लक्ष्मण के साथ विश्राम स्थान पर लौट आए। शिवधनुष और सीता जन्म का वृतांत श्री राम द्वारा धनुर्भग। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण सहित अपने यहाँ आमंत्रित कर पूजन किया तथा पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र आपका श्रेष्ठ धनुष देखना चाहते हैं। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक ने कहा, मुनिव इस धनुष का वृतांत सुनिए तथा जिस उद्देश्य से इसे यहाँ रखा गया है वह बताता हूँ। यह शंकर का धनुष है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। इस योनिजा कन्या के बड़ी होने पर मैंने निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष की प्रत्यग्वा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका विवाह करूंगा। मेरे निश्चय को जानकर सीता को प्राप्त करने के लिए अनेक राजा आए, परंतु वे लोग उसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा, यदि राम उस धनुष की प्रलवज्जा चढ़ा दे तो सीता को मैं इन्हें दे दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, आप राम को धनुष दिखाइए। राजा जनक की आज्ञा पाकर 5,000 मनुष्य किसी प्रकार ठेल कर उसे वहां तक ला सके।
तब जनक ने कहा, मुनि प्रवर, ये श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। यह कथन सुनकर महामुनि ने श्री राम से कहा, वत्स, इस धनुष को देखो। मुनि की आज्ञा से श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर उठा लिया और उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी तथा ज्यों ही कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। बड़ी भारी ध्वनि आवाज हुई। यह देखकर राजा जनक ने कहा, मैंने श्री राम का पराक्रम आज देख लिया। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक कुल की कीर्ति का विस्तार करेगी। मैं यह पुत्री श्री राम को समर्पित करता हूँ। महामुनि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे दूत जाकर महाराज दशरथ को यहाँ लिवा लाएं। विश्वामित्र के तथास्तु कहने पर जनक ने दूतों को अयोध्या भेज दिया। अयोध्या से भगत का आगमन और चारों भाइयों का विवाह। दूत अयोध्या को चल दिए तथा चौथे दिन अयोध्यापुरी पहुँच गए। पहुंचकर उन्होंने राजा दशरथ को श्री राम के पराक्रम तथा धनुष भंग का समाचार दिया और बताया कि राजा जनक ने श्री राम को अपनी पुत्री समर्पित करने का निश्चय किया है। आप जनकपुरी पधारे, इसका अनुरोध भी किया है। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए तथा मंत्रियों एवं पुरोहित तथा सभी आत्मीय जनों को समाचार सुनाया और तुरंत यात्रा का निश्चय किया। राजा की आज्ञा से सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ चार दिन में विदेह देश में पहुंच गए। राजा जनक ने स्वागत सत्कार किया। इधर श्री राम विश्वामित्र को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए। राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज को, जो सांकाश्या नगरी में निवास करते थे, तुरंत बुलवा लिया। तदनंतर जनक का संदेश पाकर महाराज दशरथ उनके यहाँ गए और जनक से बोले कि महर्षि वशिष्ठ हमारे कुल के देवता हैं। ये महात्मा पहले मेरी कुल परंपरा का परिचय देंगे। तब वशिष्ठ मुनि बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, वे स्वयंभू हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप, उनके पुत्र विद्वानु तथा उनसे वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु प्रथम प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु ही अयोध्या के प्रथम राजा थे। वशिष्ठ जी ने क्रमशः परिचय दिया और बताया कि इसी कुल में महाराज दशरथ का जन्म हुआ, जिनके ये दोनों राम व लक्ष्मण पुत्र हैं। इनके लिए आपकी दो कन्याओं का मैं वरण करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ से इस प्रकार सुनकर राजा जनक ने अपने वंश का परिचय दिया। प्राचीन काल में निमि नामक एक राजा हुए, उनके मिथि नामक पुत्र हुआ और मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये हमारे कुल में प्रथम जनक हुए हैं। क्रमशः वंश परंपरा बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजा हस्वरोमा का ज्येष्ठ पुत्र हूँ तथा कुशध्वज मेरा छोटा भाई है। मैं सीता को श्रीराम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। जनक की बात समाप्त होने के बाद वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र ने जनक से कहा कि हम आपके छोटे भाई कुशध्वज की दोनों का वरण भरत और शत्रुघ्न के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर मुनिवरों से कहा कि मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये चारों राजकुमार एक ही दिन पाणी ग्रहण करें। राजा जनक ने यज्ञ वेदी के पास बैठी अपनी को क्रमशः सौंप दिया। श्रीराम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ तथा शुकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ विवाह सम्पन्न हो गया। तदनंतर राजा दशरथ पुत्रों तथा बंधुओं के साथ जनवा से आए। गंजुम कप बड़े 8588.05 औरम की परीक्षा लेने परशुराम का आगमन और उन्हें विष्णु अवतार जानकर संतुष्ट होकर प्रस्थान। दूसरे दिन प्रातः महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ से पूछकर अपने आश्रम चले गए। महाराज दशरथ भी अपनी पुरी जाने को तैयार हो गए। राजा जनक ने भेंट के निमित्त बहुत सामग्री दी। उन सबको लेकर दशरथ ने प्रस्थान किया। उसी समय महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, यह अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े वेग से आंधी उठी। सूर्यदेव अंधकार से आच्छन्न हो गए। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई।
उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। राजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम सामने से आ रहे हैं। भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को ऋषियों ने आर्ध्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई पूजा को स्वीकार करके प्रतापी परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। मैं दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। तुम इसे खींचकर वाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। ये देखकर मैं तुम्हें ऐसा दंड युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। परशुराम का वचन सुनकर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया तथा वे प्रार्थना करने लगे कि मेरे बालक पुत्र को आप अभयदान देने की कृपा करें, इसके बिना तो हम सभी मर जाएंगे। राजा दशरथ ऐसा कहते ही रहे, परंतु परशुराम ने राम से ही बातचीत करते हुए कहा, राम, तुमने शंकर के धनुष को तोड़ डाला। यह दूसरा वैष्णव धनुष है। यह उससे भी दिव्य धनुष है। इसे लेकर क्षात्र धर्म का पालन करो और इस पर प्रत्यक्षा चढ़ाओ। पिता के कारण राम मौन थे, परंतु अब उन्होंने कहा, भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ। आप मेरे तेज को कम जानकर ऐसा कह रहे हैं। अब आप मेरा पराक्रम देखिए। यह कहकर श्रीराम ने परशुराम के हाथ से धनुष और वाण ले लिया। उसकी प्रत्यक्षा चढ़ाकर उस पर वाण और परशुराम से कहा, राम, आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं, इस कारण मैं इस वाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। मेरा विचार है कि इन लोकों में या तपस्या से जिन अनुपम अदृश्य पुण्य लोकों को आपने प्राप्त किया है, उनमें आपकी गति को नष्ट कर डालूं, क्योंकि इस वैष्णव धनुष का दिव्य वाण व्यर्थ जा ही नहीं सकता। परशुराम ने श्रीराम से कहा, पूर्व काल में मैंने कश्यप ऋषि को यह पृथ्वी दान में दे दी थी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने गुरु कश्यप जी के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट करने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा करना उचित नहीं होगा। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक पर्वत पर चला जाऊंगा। मैंने अपनी तपस्या से जिन अदृश्य अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ वाण से नष्ट कर दें। इस धनुष के द्वारा मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। तदनंतर श्रीराम ने उस वाण को छोड़ दिया तथा परशुराम तुरंत ही श्रीराम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद श्रीराम ने वह धनुष वरुण के हाथ में दे दिया। वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया तथा पिता को विकल देखकर कहा, पिताजी, परशुराम जी चले गए। अब आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। 94 त्रो और वधुओं सहित दशरथ का अयोध्या आगमन। परशुराम चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राम को छाती से लगा लिया तथा उस समय अपना और अपने पुत्र का माना। तदनंतर वे सेना सहित शीघ्र अयोध्यापुरी पहुंच गए। वाल्मीकि रामायण कथा 26। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वज पताकाएं फहरा रही थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ी हुई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। पुरवासी मनुष्य हाथों में मादगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। इन सबसे भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया तथा हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी अपने प्रिय राजभवन के प्रांगण में राजा दशरथ ने अपने पुत्रों सहित पदार्पण किया। राजा दशरथ अपने राजभवन में प्रविष्ट हुए। रानियां और अन्य राजपुरुषों की पत्नियां बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। मंगल गीत गाती हुई वे सब वधुओं को घर में ले गई और देवताओं का पूजन कराया। अपने अपने पति के साथ रहकर वे सब की सब वधुएं बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्रीराम आदि चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण होकर पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद दशरथ ने भरत से कहा कि तुम्हारे मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं। यह सुनकर भरत ने मामा के यहाँ जाने का विचार किया और प्रस्थान कर दिया। श्री राम के उत्तम शील और सदृव्यवहार से उस राज्य के सभी निवासी बहुत संतुष्ट रहते थे। बालकान संपूर्ण
27 अयोध्या कांड प्रथम सर्ग राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार, निश्वी के बाद श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय शत्रुघ्न को भी साथ ले गए थे। राजा दशरथ उन दोनों पुत्रों का सदा स्मरण किया करते थे। सभी पुत्र उन्हें बहुत प्रिय थे, परंतु उनमें श्री राम अधिक होने के कारण पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। श्री राम बड़े और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे, सदा शांतचित रहते और मीठे वचन बोलते थे। वे विद्वान थे और वृद्ध पुरुषों का सदा सम्मान किया करते थे। राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वान विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। अपने पुत्र राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर राजा दशरथ ने मन ही मन में विचार करना आरंभ किया कि राम राजा हो जाएं। इस प्रकार विचार कर तथा श्री राम को दुर्लभ गुणों से विभूषित देख राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया। उन भूपाल ने प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के राजाओं को भी अयोध्या में बुला लिया। शीघ्रता के कारण दशरथ ने केकय नरेश तथा जनक को नहीं बुलाया। राजसभा में बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि अनेक सहस्र वर्षों की आयु पाकर अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। मैं अपने पुत्र राम को राजकार्य में नियुक्त करके अब इस राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरा पुत्र राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ है। मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में राम को युवराज के पद पर नियुक्त करने का इच्छुक हूँ। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े तो आप मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। उनकी बात सुनकर सभी ने कहा कि आप अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। फिर सभी ने श्री राम के गुणों की विस्तृत रूप से चर्चा की और कहा कि इसी में हम लोगों का हित है। सभासदों के समर्थन को देखकर राजा दशरथ ने कहा कि आप लोग राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से कहा कि श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। महाराज का वचन सुनकर वशिष्ठ ने सेवकों को समस्त सामग्री बताई तथा कहा कि उन सबको एकत्र करके प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा। दो तदनंतर अन्य आवश्यक सामग्री तथा नगर की सजावट इत्यादि की भी आज्ञा दे दी गई। इसके बाद राजा दशरथ ने सुमंत्र को बुलाकर कहा कि राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र श्री राम को लेकर तुरंत राजभवन में आ गए। श्री राम ने पिता को प्रणाम किया, तभी दशरथ ने उन्हें छाती से लगा लिया तथा एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। तदनंतर श्री राम को संबोधित करके कहा, पुत्र तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। वत्स, यद्यपि तुम स्वभाव से ही हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि सद्गुण संपन्न होने पर भी मैं स्नेहवश तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोस्मृति से गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष स्मृति से राजसभा में सामने आकर कहने वालों के मुख से उनके वृतांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाननों को सदा प्रसन्न रखना। इसलिए पत्र तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरण का पालन करते रहो। जाकि ये बातें सुनकर श्री राम के सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर हर शुभ समाचार बताया। कौसल्या ने सभी सुहृदों को पुरस्कार बांटा। श्री राम राजा को प्रणाम करके अपने भवन को चले गए। नगर वासियों ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए तथा देवताओं की पूजा करने लगे। राम के राज्याभिषेक की सूचना सभा में देने के बाद राजा दशरथ अंतःपुर में गए। उन्होंने फिर से राम को बुलाने के लिए सुमंत्र को भेजा। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हुआ। उन्होंने पूछा कि आपको पुनः आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह जानने पर कि महाराज मिलना चाहते हैं, वे तुरंत उनके पास चले गए। उस अवसर राजा दशरथ ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, आजकल बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं गिर रही हैं।
मेरे जन्म नक्षत्र को भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो। इसी प्रसंग में राजा दशरथ ने भरत के गुणों का वर्णन किया, परंतु शंका प्रकट की कि मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता है। फिर राम को व्रत पालन की आज्ञा देकर विदा किया। श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्या में बड़ा उत्साह प्रकट होने लगा। राम के अभिषेक का समाचार पाकर मंधरा का कैकेयी को उभारना, कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। रानी कैकेयी की एक दासी मंथरा ने अपने भवन की छत से अयोध्या की साज सज्जा को देखा तथा रानी कीसल्या को लोगों को धन बौटते देखा तो उसने श्री राम की धाई से कारण पूछा और यह पता चलने पर कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, वह सुनते ही छत से नीचे उतरी तथा रानी कैकेयी के पास जाकर कहा कि तुम पर बड़ी भारी विपत्ति आ रही है और बताया कि राम का कल युवराज पद पर राज्याभिषेक होगा। मंधरा ने कैकेयी को बहुत भड़काया, परंतु कैकेयी ने इसे प्रिय समाचार मानकर कहा कि मैं राम और भरत में भेद नहीं समझती तथा इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। इसलिए वह मंथरा को श्रेष्ठ वर व उपहार देने की बात करने लगी, किंतु मंथरा ने अनेक तर्क देकर कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न कर दी। तब कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा और उसने कहा कि मैं शीघ्र ही राम को वन भेजूंगी तथा भरत का अभिषेक कराऊंगी। दोनों ने मंत्रणा की कि इसका क्या मार्ग होना चाहिए। एक बार देवासुर संग्राम के अवसर पर कैकेयी ने महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे और उसी अवसर पर दशरथ ने कैकेयी को 2 वर देने का वचन दिया था। इस समय उसी वचन का लाभ उठाने का उन्होंने निश्चय किया तथा कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश कर लिया कि राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, राजा को कृतज्ञता भक्त करके कैकेयी का भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। राज्याभिषेक की तैयारी का आदेश देकर राजा दशरथ ने अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के भवन में संवाद बताने के लिए प्रवेश किया। राजा के आगमन के समय कैकेयी सदा उपस्थित रहती थी, परंतु आज कैकेयी को न देखकर उन्हें विषाद हुआ तथा उसके विषय में भी पूछताछ करने लगे। प्रतिहारी ने बताया कि वे कोप भवन गई हैं। राजा ने वहां कैकेयी को भूमि पर पड़ी देखा। उन्होंने उससे इस अवस्था का कारण पूछा और उसे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना हुई। कैकेयी ने राजा दशरथ को स्मरण दिलाया कि पूर्व काल में उन्होंने उसे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, अब उसकी पूर्ति का समय आया है। राजा दोनों वर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध वाल्मीकि रामायण कथा श्रह हो गए। कैकेयी ने 1 वर से भरत के राज्याभिषेक की मांग की तथा 2 वर द्वारा राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक दंडकारण्य वन में रहने का आदेश देने की मांग की। कैकेयी के दोनों वरों को सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए। राजा ने रानी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। अनेक प्रकार से अनुनय विनय की तथा कठोरता के साथ कैकेयी को भधिक्कारा भी, परंतु वह तस से मज नहीं हुई। राजा दशरथ की वह रात्रि कैकेयी को समझाने में ही व्यतीत हो गई, परंतु उसने अपना निश्चय नहीं छोड़ा। प्रातः राजा को जगाने के लिए जब मंगल गान होने लगा तब राजा ने उसे तत्काल बंद करा दिया। राजा दशरथ कैकेयी के प्रति रोषजनित अनेक बातें कहने लगे तथा कहा कि मैं तेरा तथा भरत का त्याग करता हूँ। कैकेयी ने कहा कि आप विष और शूल के समान कष्ट देने वाले वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप तुरंत राम को यहाँ बुलाइए तथा मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए। आप राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। व्यथित हुए राजा दशरथ ने कहा कि मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मप्रायण पुत्र राम को देखना चाहता हूँ। उसी समय राज्याभिषेक के कार्य संपादन के लिए महर्षि वशिष्ठ आए तथा सुमंत्र से कहा कि तुम महाराज को मेरे आगमन की सूचना दो। सुमंत्र राजा के पास गए तथा सर्वदा की भांति महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज दशरथ ने एक बार दृष्टि उठाकर सुमंत्र की ओर देखा तथा कहा कि तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर आघात क्यों कर रहे हो? उनकी बातें सुनकर सुमंत्र उस स्थान से कुछ पीछे हट गए तथा कैकेयी ने कहा कि श्रीराम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण राजा रात भर जागते रहे, इस समय इन्हें नींद आ गई है। तुम तुरंत जाओ और राम को यहाँ बुला लाओ। सुमंत्र ने कहा कि बिना राजा की आज्ञा सुने कैसे जा सकता हूँ? इस पर राजा दशरथ ने राम को शीघ्र बुलाने का आदेश दिया।
कप 52 अंक, मक 72 > 93 से श्री राम का पिता के भवन में प्रवेश। पुमनत द्वारा राजा दशरथ की आज्ञा पाकर पिता के चिंतित होने का कारण पूछना, कैकेयी द्वारा वरों का वृतांत बताया जाना। सुमंत ने श्रीराम को दशरथ का संदेश सुनाया। श्रीराम तैयार होकर सीता जी से विदा लेकर दशरथ के प्रासाद की ओर चले। मार्ग भर नागरिक उनका जय जयकार करते रहे। सर्वेषु सही धर्मात्मा वर्णाना कुरुते, हे चतुर्ना ही वय स्थाना तेन ते तमनुव्रता। विस्मयादि बोधक चिन्ह उद्धरण। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। श्री